very stylish performance, I would say. Rock and roll thai gi. Ammi ji, I'm sorry. मैं जानती हूँ कि काजल को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वो परेशान है ना, क्योंकि आज तुमने उसे अतुल से मिलवाया, है ना? आपको कैसे पता चला? और भी तो क्या? जब आज तुमने दीदी को अपने साथ आने से मना कर दिया था ना, मैं तब भी समझ गई, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम दोनों बाहर खाना खाने जाओ और सबको ये तक ना पूछो कि कौन कौन आएगा। मैं समझ गई थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर मैंने कुछ कहा नहीं है अमिता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। जी, मैं मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। ध्यान से सुनो, पाव उतनी ही फैलानी चाहिए जितनी कि आपकी कदर। थाली में खाना उतना ही परोसना चाहिए जितना आप खा सको। बड़े बुजुर्ग जब कहकर गए हैं ना, कुछ सोच समझ कर कहकर गए हैं, और इसीलिए जिम्मेदारी उतनी ही उठाओ जितनी कि तुम निभा सको। तुम्हें क्या लगता है अमिता, तुम्हारी इस बचकानी हरकतों से तुम एक टूटते हुए रिश्ते को बचा पाओगी? मम्मी जी, मैं सिर्फ कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक कर दूं, पर तुम्हारी ये कोशिशें कहीं पर भी कामयाब होते हुए नजर आ रही है तुम्हें? देखो दोनों परिवारों को कौन खुश है, ना तुम्हारे परिवार में कोई खुश है और ना यहाँ कोई खुश है, नहीं ना? अमिता, ऐसे में बहुत कुछ दांव पर लग जाता है। और तुम सिर्फ दो लोगों के बारे में सोच रही हो, मैं परिवारों के बारे में बात कर रही हूँ। अब यही देख लो, जब से जिगी यहाँ पर आया है, तुमने उस पर जरा सा भी ध्यान दिया? तुम काजल की मुसीबतों को ही सुलझाने में लगी हो। और तो और, तुमने अपने साथ साथ अमित को भी खींच लिया इसमें। तुम्हारी इस हरकत की वजह से आए दिन मुझे टीना के कितने सारे ताने सुनने पड़ते, पता है तुमको? नहीं मम्मी जी, I'm sorry, पर अमित की इसमें कोई भी गलती नहीं। अमिता, ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, पर मुझे तुम्हारी फिक्र भी है, इसीलिए तुम्हें समझा भी रही हूँ बेटा। जहां तक कि मैं काजल को जानती हूँ, उसने तुम्हें एक सहारा ढूंढ लिया है, तो जब तक वो जानती है कि तुम उसके मदद के लिए हमेशा उसके पास हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो यहाँ से नहीं जाएगी। उसे बच्चे की तरह अपने ससुराल में लाने के बजाय उसे अपने ही ससुराल में रहने देना चाहिए था। परेशानी के बीच में रहकर भी उसका हल निकाला जा सकता है बेटा, ना कि उसे दूर जाकर। अब सही कह रही है मम्मी जी, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी है ना अमिता, तो तुम्हें मैं सलाह दे चुकी हूं। अब आगे तुम्हारी मर्जी। क्या करूं मैं, क्या करूं इन दोनों को मिलाने के लिए? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता था कि इन दोनों को मनाना इतना मुश्किल होगा। क्या करूं? हाँ, मामा। मैं देखती हूँ बा। हेलो, जय श्री कृष्ण मम्मी। अम्मू, बेटा जय श्री कृष्ण। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। अतुल कैसा है? पता नहीं बेटा, जब से आया है ना, सीधा अपने कमरे में चला गया है, किसी से बात भी नहीं कर रहा। और काजल, काजल कैसी है? वो भी ठीक, उसका भी यही हाल है। ये बच्चे भी ना, पता नहीं इन्हें कब अक्ल आएगी। लेकिन अम्मू, तू ये सब कैसे संभाल रही है? वहां तेरे ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं ना है? सच बता। नहीं, नहीं मामा, अब ठीक है।
अम्मू बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, मुझे बस अतुल और काजल की बहुत चिंता हो रही है। मैं ऐसे उनकी जिंदगी बिखरते हुए नहीं देख सकती। अम्मू बेटा, हर किसी को अपने जिंदगी का इम्तिहान खुद ही देना पड़ता है, और ये अतुल और काजल का इम्तिहान ही है। लेकिन तू फिकर मत कर, तू देखना कि दोनों इसमें पास हो जाएंगे। अमिता क्या करो? ला फोन दो। हेलो मम्मी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण अमित कुमार। अमू ठीक तो है ना? ओहो मम्मी, जब से मैंने अमिता से कहा ना कि आप रोते हुए बड़ी सुंदर लगती, तब से बस हर बात पर रोती रहती। अब फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। लेकिन अमित कुमार, काजल के वहाँ रहने से घर में रौनक आ गई है मम्मी। अब यहाँ की फिक्र छोड़ दीजिए, अब बस अतुल की फिक्र कीजिए, ठीक है? हाँ बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अमिता, आपको इस तरह से फोन नहीं करना चाहिए। आप जानती हैं मम्मी परेशान हो जाती है। मैं जानता हूँ आप काजल को लेकर थोड़ी परेशान हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या करती। आज मम्मा से बात करने का बहुत मन हो गया एकदम। सॉरी अमिता, मैं जानता हूँ कि आप अतुल और काजल की बात से लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन फिकर मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल। काजल, ये क्या कर रही है? मैं आप लोगों के रूम से बाहर जा रही हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है, पर क्यों? क्योंकि अमित, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप और अमू एक दूसरे से दूर रहे। आज अतुल से मिलने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे और कितने दिन रहूंगी। मैं आप दोनों को अलग नहीं रख सकती। अच्छा तो जाएगी कहाँ? कहाँ सोएगी? बाहर। बाहर कोई जगह नहीं है। एक जगह है वहां तो जा सकती। कहाँ? तेरे घर अतुल के पास। अमु प्लीज। काजल, काजल रुक, काजल सुनो, रुको। अमित, सारी गलती हमारी है, हमें इतनी बात करनी नहीं चाहिए थी। ओफो, लड़कियों को समझना ना मुश्किल ही नहीं, ना मुमकिन है। क्या कहा? कुछ नहीं, चलो काजल को जाकर वापस लाते हैं। काजल, तुम यहाँ पर नहीं सो सकती। क्यों नहीं सो सकती? मुझे नींद आ रही है और मैं इस सोफे पे फिट भी हो जाऊंगी। मैं यहीं सोऊंगी, मैं तुझे सोने नहीं दूंगी। अम्मू, ये बात ना अमित को कहना, मुझे समझी? अब तो देख काजल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। चल यहाँ। अम्मू चल। अम्मू मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अम्मू समझना, मैं तुम लोग पे बोझ नहीं बनना चाहती। काजल काजल काजल, सब जाग जाएंगे, चलो ना। अमित कोई नहीं जगेगा। सब जाग जाएंगे काजल। अमित भाई, इतना वॉइस क्यों हो रहा है? ये काजल जी पिलो लेके क्यों खड़ी है? क्योंकि आज मैं यहीं सोऊंगी। तू अंदर सोए। अम्मो ओ अंडरस्टूड, ये अमित भाई और भाभी को लविंग डविंग करने का मौका नहीं मिल रहा है ना, है ना, है ना। एकदम सही।
तो मेरे होते हुए काजल जी यहाँ सोफे पे कैसे सो सकती है? काजल जी आप एक काम करो, आप अपना लगेज लेके मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। जी क्यों बोले जी? अभी भाई मेरे को टोटल बात तो बोलने दो। अचल जी अपना सामान लेके मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाए और मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा, ऐसा? तो क्या वो लेडीज है उनके लिए अलग कमरा होना जरूरी है कि नहीं? नहीं हाँ जग्गी जी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। लेकिन मैं लेना चाहता हूँ ना। वो क्या है, अभी मैंने मन मेक कर लिया है और एक बार मैं मन मेक कर लेता हूँ ना तो उसके बाद मैं अपने मन की भी नहीं सुनता। काजल जी देर हो जाइए। देर हो जाइए? देर देर वाह मजा आ गई। ये तुम लोग जाते हुए लाइट शॉर्ट करके जाना हो, वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बिल ज्यादा आएगा। अब आप दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाइए और मैं गेस्ट रूम में जाके सो जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जिगी, तुम यहाँ क्यों सोए हो? वो मम्मी जी दरअसल जिगी, जिगी उठो जिगी। अरे क्या मस्ती, सोने दो ना। क्या मस्त सपना वॉच कर रहा था मैं, मेरा और कैटरीना कैफ का फिक्स तेरा भी कंप्लीट हो गया था, थोड़ी देर में वेडिंग भी हो जाती, बीच में आप आ गई। वो सब छोड़, तू पहले उठ जा। जिगी, पहले ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों सो रहे थे? वो आंटी जी, क्योंकि जिगी जी के रूम में मैं सो रही थी। क्या? तुम जिगी के रूम में क्यों सो रही थी? क्योंकि मम्मी मैं अपने कमरे में सो रहा था इसलिए। तो फिर तुम कहाँ सो रही थी अमिता? वो मैं अपने कमरे में, मतलब हमारे कमरे में। क्या हुआ मसीब? कारपेट ठीक करना है ना, अभी कर दूंगा मैं। लेकिन आप भी मम्मी की तरह मॉर्निंग मॉर्निंग में ऐसा टॉल साउंड में बातें मत करो। टॉल साउंड, ऊंची आवाज। जिगी तुम चुप करो। अमिता ये सब क्या हो रहा है? I'm sorry, लेकिन इस घर में किसी मेहमान के साथ ऐसा मैंने पहले कभी होते हुए नहीं देखा। क्यों रिया? I know, I mean, पहली बार हो रहा है ये सब तो। अब वो आंटी जी, एक्चुअली गलती मेरी है। दरअसल कल रात को मैं यहाँ सोने वाली थी तो उतनी देर में जिग्गी जी आए और मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं उनके कमरे में जाकर सो जाऊँ। सॉरी जिगी, तुमने चादर क्यों नहीं ली? ओह, शायद तुम्हें किसी ने दी नहीं होगी। मम्मी आप गलत। अमित, आज तुम बीच में नहीं बात करोगे। काकी सही कह रही। अमिता, एटलीस्ट तुम्हें इतना तो करना चाहिए था। किसी पराए को भी सोता हुआ देखकर कम से कम एक चादर तो दे ही देते। ये तो अपना जिगी है, अपने घर का है। अमिता,
मैं आज तुम्हारी लापरवाही से बहुत परेशान हूँ, बहुत नाराज हूँ। क्या तुम क्या हो रखा है तुम्हें? हाँ, वैसे घर में और लोग थे तो जीबी को चादर दे सकते थे, पर फिर भी घर की बहू होने के नाते ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी थी। मुझे लगा था कल रात को जो मैंने तुम्हें सारी बातें समझाई तुम्हें समझ में आ गई होंगी, पर नहीं। आज पता चलता है कि वो सारी बातें तुमने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। अमिता भाभी के घर वाले आए। सुबह सुबह? माफ करो किरीट भाई, हमारे घर की परेशानियों के कारण आप लोगों को कितनी सारी तकलीफें उठानी पड़ रही। नहीं नहीं हेमंत भाई, आप कैसे बातें कर रहे? जो भाई, हम सब अब एक पूरा परिवार बन चुके हैं। परेशानी वाली कौन सी बात है किरीट भाई? तकलीफ तो होगी ना आपको, मैं समझता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब इस परेशानी को मैं अपने हिसाब से घर जाकर मैं सुलझाऊंगा। वैसे हेमंत भाई, अच्छा ही हुआ जो आप लोग आ गए। आज फलू भाभी काफी गुस्सा है अमिता से। हो गई तसल्ली, हो गई अब घर चले। कल इतने प्यार से समझाया था कि चल घर, लेकिन 10,000 नखरे थे तेरे। मेरे पास बहाने थे? काजल, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है। पता है तेरी वजह से अम्मू कल मम्मी के साथ बात करते हुए रो पड़ी थी, बस अब और नहीं। एक काजल जी घर से फाइट करके आई है? हाँ, फाइट करके आई है। चुप, ये रियल की फाइट है? इधर क्यों देख रही हो, उधर देखो ना। अतुल बस कर बेटा, प्लीज, ये सही वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए। चल बेटा, हम लोग घर जाके साथ में बात करेंगे ना बेटा। पापा प्लीज, आप सबने ना ऐसे सिर पर चढ़ा के रखा है, सीधी बात समझती नहीं है ये। अतुल प्लीज, मैं बात कर रही हूँ ना काजल से। वो इसे समझना चाहिए, इसे समझना चाहिए कि इसे यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। अगर उसे कहीं रहना है तो हमारे साथ अपने घर में रहे। कब बड़ी होगी, कब बड़ी होगी, कब समझेगी कि हंसी मजाक ठहाके से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है, जिम्मेदारियां भी होती है शादी के बाद। अतुल, मैं भी ये सब जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा। तूने कभी भी सोचा है कि मैं यहाँ पर क्यों रह रही हूँ? कभी भी मुझे समझने की कोशिश की है? कभी भी सोचा है कि जो काजल तुझसे एक मिनट अलग नहीं रहती थी वो आज तुझसे इतनी दूर कैसे चली गई, क्यों चली गई? काजल, बिना बातों की बातें मत कर, ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ से चल, मैं एक मिनट और भी तुझे अम्मू के घर पे नहीं रहने दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं तेरे साथ तेरे घर बिल्कुल नहीं आऊंगी। अतुल शांत हो जाओ, ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? तू तो समझदारी से काम ले काजल। समझदार होती तो अपने घर पे होती, यहाँ नहीं होती है। बस अब तो मैंने सोच लिया, अब तो मैं तेरे घर बिल्कुल नहीं आऊंगी। अगर तू मेरे साथ घर नहीं चलेगी ना तो मेरी बहन के घर पे भी रहने का तेरा कोई हक नहीं है। सामान बांधो और निकल यहाँ से। क्या बोल रहा है? ठीक है, रुको काजल। जब तक तुम दोनों का झगड़ा सुलझ नहीं जाता तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। फाल्गुनी पे
हमें माफ कीजिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि काजल का यहाँ रुकना ठीक होगा। क्यों? क्योंकि अमिता का ससुराल है इसीलिए। फाल्गुनी बहन, आपका दिल बहुत बड़ा है और वैसे ही हम आपको पहले काफी तकलीफ दे चुके हैं। वैसे भी ये हमारी घर की परेशानी है, बेटी के ससुराल तक ना ही पहुंचे तो बेहतर होगा। वर्षा बहन, काजल के यहाँ रहने से अमिता को क्या फर्क पड़ेगा? इस घर में जो अमिता की जिम्मेदारियां हैं उस पर कोई बदलाव तो नहीं आएगा, और फिर हम सब एक परिवार हैं, अगर कोई परेशानी है तो सब मिलकर उसका हल निकालेंगे ना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, काजल यहीं पर रहेगी। It was a very stylish performance, I would say. Rock and roll, thank you.